सिंघू बॉर्डर का सबसे पहले रुख करेंगे। जितेंद्र, आज जो वर्चुअल संवाद होने वाला है उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। किसान नेता किस तरीके से संवाद को देख रहे हैं? क्या वाकई उन्हें अब भी लगता है कि सरकार महज खाना पूर्ति कर रही है और जो 3 बिल की वापसी की मांग है वही पूरी होगी तभी वो मानेंगे, इसके अलावा और कुछ उससे कम पर नहीं मानेंगे? बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री 12 बजे के आसपास वर्चुअल उन किसानों से बातचीत करेंगे। करीब 2 करोड़ किसान हैं, इनसे सीधे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले भी किसानों से ये बोल चुके हैं कि ये तीनों जो कानून है वो उनके फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं और इससे किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर किसानों की बात करें तो आज किसानों की भी बैठक 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर होनी है और इस बैठक में तमाम चीजें तय की जाएंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से पिछले 5 दिनों में दूसरा पत्र इन किसानों को लिखा गया है और संयुक्त किसान मोर्चा इस दूसरे पत्र पर एक बैठक करके ये तय करेगा कि आखिर सरकार को जवाब क्या देना है। क्योंकि सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया और ये कहा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो किसान संगठन है उनको लिख करके देना पड़ेगा कि वो किस तरीके की बातचीत इसमें करना चाहते हैं। वहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि वो अब एजेंडे पर ही बातचीत करेंगे, यानी सरकार उनको बताए कि वो किन एजेंडों पर उनसे बातचीत करना चाहती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से गतिरोध बना हुआ है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री 12 बजे के आसपास बोलेंगे और देश भर के करीब 7 राज्यों के जो किसान हैं उनसे उनका सीधा संवाद होगा तो वैसे में जो किसान संगठन है वो इस बात को किस तरीके से समझते हैं ये देखना होगा। 3 बजे के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग तय करेंगे कि सरकार से जो अगले दौर की बातचीत होगी उसमें किस तरीके के कदम उठाने हैं। तो ऐसी यहाँ पर मीटिंग 2 बजे होगी और ये मीटिंग आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हो चुकी हैं संयुक्त किसान मोर्चा की उसमें उन लोगों ने सरकार के जो प्रस्ताव आए हैं उसको उन्होंने नकार दिया और ये कहा है कि बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना है कि जो तीनों कानून है सरकार उस पर कोई बातचीत करना नहीं चाहती, उसको हटाना नहीं चाहती। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के अब किसान संगठन जो सिंघू बॉर्डर पर आज बैठक करेंगे उसमें आपके पास जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कुमार हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से लगातार अपडेट देते आए हैं। यहाँ पर सवाल यही बना हुआ है कुमार कुणाल कि किस तरीके से आज के वर्चुअल संवाद को किसान नेता देख रहे हैं, क्या वाकई उन्हें इसमें समाधान नजर आता है या फिर जो 3 बिल की वापसी की मांग है उसी पर अड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो इनका ये कहना है कि किसान बिल उनके पक्ष में है, उनके फायदे के लिए है। देखिए, अलग अलग पार्टियां, क्योंकि इसमें राजनीतिक समीकरण भी अंदर आ गया है। कल 2 करोड़ हस्ताक्षर को लेकर के राहुल गांधी गए थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए। आज कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 2 करोड़ लोगों से, 2 करोड़ किसानों से संवाद करेंगे। तो ये नंबर जो है ना, ये खेल बहुत चल रहा है दोनों तरफ से, लेकिन किसानों की बिल्कुल अलग मांग है। किसान कहते हैं कि वो उनके हित में नहीं है बिल, चाहे आप कितनी भी बात कर लें, जब तक जो बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं उनसे जब तक डायरेक्ट बात नहीं करती है सरकार तब तक इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। आज प्रधानमंत्री बात करने वाले किसानों से, आपको लगता है कि कुछ मतलब की बात करेंगे? बस जी, वो तो उनकी इच्छा ही है, आकर मतलब की बात कर ले। हम तो कोई ये थोड़ा है, कोई हम संघर्ष चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं समस्या का समाधान हो जाए, प्रधानमंत्री जी खुद ही कर दें आग। अब बताओ किसान को क्या चाहिए, किसान परेशान है।